मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे हो? जब तुमने किसी को टाइम दिया, शादी किया, इसका मतलब पूरी लाइफ जीना है तुम्हारे साथ, 60-70 साल जो भी। अब तुम्हें लगता है कि 24 घंटे तुम मेरे साथ हो, मान लो ठीक है प्यार मोहब्बत हुआ इमोशनल, तो 4 दिन 5 दिन 6 दिन वो ज़्यादा 1 महीना रहेगा जो टचेस होता है इमोशनल का, उसके बाद तो फिर तुम्हें लगेगा ना रोटी दाल चावल आगे प्रोग्रेस ये आती डिमांड आती, और इनके लिए तुम्हें काम करना है। अब ये एक दिन में नहीं कि गए कैसे निकाल लिए, इन्होंने कोई पढ़ाई की कुछ भी किया, दे विल बी द टाइम। बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस के लिए भी टाइम चाहिए, हो सकता है एक एक दिन पूरा दिन उसको फ्लो चार्ट या डायग्राम या सेटअप करने में सब कुछ लगे। अब यहाँ पे अगर सामने वाला जो तुम्हारा आपका पार्टनर है, सिविल पार्टनर जो भी बोलते हैं, अगर वो उस चीज़ की फीलिंग को नहीं समझ रहा है, उसे लग रहा है कर रहा तुम मेरे को टाइम नहीं दे रहे, तो वहीं पे लड़ाइयाँ शुरू होती हैं जाके, कि तुम्हें लगता है कि 2400 घंटे में 12 घंटे उसने बिजनेस में कहीं और सटा पड़ा है, कहीं और दे रहा है, वो नहीं समझ पा रहे कि वो बंदा उस बिजनेस को सेट कर रहा है, उसको बना रहा है ताकि आने वाली जनरेशन उसे अच्छे से करे। अब वो सामने वाले की डिपेंड करता है ये समझ रही है या नहीं समझ रही है, उनको लगता है कोई चीटिंग कर रहा है, यहीं पर मार शुरू होती है। तो सर अगर वो समझ नहीं तो उसको समझाएं कैसे? ये तुम्हारी गलती है, तुम उसको पहले से नहीं समझ पाए हो, क्योंकि वो उसकी डिमांड, क्योंकि प्यार मोहब्बत होता है ना, तो प्यार मोहब्बत में फ्यूचर नहीं देखते, प्यार मोहब्बत में 2 चीज़ें देखते हैं, आपकी शक्ल सूरत, आपका पहनावा, आपकी ओवर स्मार्टनेस। जो प्यार एक्चुअल में आजकल जो हो रहा है, ये एडवांस लड़की है, अच्छे छोटे कपड़े पहनती है, मस्त बन के आती है, चाहे शक्ल अच्छी हो ना हो, थोड़ा सा और देखो बुरा मत मानना, ये एक्चुअली चीज़ें हैं ओवर स्मार्टनेस की। अच्छी लड़की होगी, साथ बैठी होगी, हम इग्नोर कर देंगे उसे, जो सिंपल होगी हमें लगेगा हाई फाइव दिखाना, जैसे वो कल दिखा रही थी उन्हें लग रहा है, तो इन सब लोग अट्रैक्ट होते हैं। अब इन लोगों की डिमांड होती है कि तुम ऐसे ही हमें मेंटेन रखो, ऐसे ही KTM में घुमाओ, पिज्जा बर्गर जेनी जहाँ पे मूवीज हो वहाँ ले जाओ, या इंडोनेशिया ले जाओ, या वहाँ पे घुमाने के ले जाओ। लेकिन जब शादी होती है ना, शादी में सिर्फ वो नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती, आपके पास फादर मदर जो उस कल्चर से आ रहे हैं, इनके सामने आपको हमेशा जीन्स टॉप में नहीं रख सकते। नहीं सर, मेरा मामा है। ठीक है, वो चीज़ों में बाद में बात करेंगे। मामा है मेरे मामा को दुखद में कभी हो सकेगा बुलाऊंगा, यहाँ पर आते रहते हैं, रेलवे के डिविजनल ऑफिसर, यहाँ तक भी इंदौर तक भी होंगे, मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है, उनको कभी फ़ोन करता हूँ, टिकटें ऐसे बुक होती है मेरी चीज़ों से, बहुत अच्छा होगा, एक फ़ोन मारेंगे।